मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम निशा शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे एक्सरसाइज इज 3.2। जया आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके बेटा, एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में आपकी जो बुक है उसमें क्या है, सम दे रखे हैं, है ना। जो बुक में ही आपको जो कैरी वाले सम है ये, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ बुक में आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। फाइव थ्री सेवन एट, फाइव थ्री सेवन एट, सिक्स एट एट सेवन, इनका क्या करना है, हमें एडिशन करने हैं। ये कौन से है, ये जो कैरी वाले एडिशन है वो है ये, ठीक है। अब आपकी जो बुक है उसमें क्या है, यहाँ पे बॉक्स बने हैं तो इनमें आपको फिल करना है। थ्री फोर फोर जीरो फोर थ्री सेवन थ्री। अब देखो एट और सेवन, एट और सेवन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एट और सेवन कितने हो जाएंगे, सेवन सेवन फोर्टीन होते हैं, सेवन सेवन कितने होते हैं, फोर्टीन होते हैं। फोर्टीन में फिर हमने एक और ऐड कर दिया तो कितने हो गए, फिफ्टीन। क्या आ गया हमारा, फिफ्टीन आ गया। अब फिफ्टीन का जो वंश है वो कहाँ रखेंगे हम, वंश के नीचे। अब हमारा क्या बच गया, टेंस है जो कैरी में है उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो एट और जो सिक्स होता है वो फोर्टीन, और फोर्टीन और वन फिफ्टीन, फिर यहाँ पे कैरी, फिर एट और एट हो गया, और सेवन में हमने वन को ऐड कर दिया तो ये भी कितना हो गया, एट हो गया। तो एट और एट कितने हो गए, सिक्सटीन। एट और एट सिक्सटीन, सिक्सटीन का हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे। और कैरी कितनी होगी अपने पास में, वन। फाइव और थ्री, फाइव और थ्री एट, एट और वन नाइन, तो यहाँ आप लिखोगे नाइन। क्या लिखोगे, नाइन। सेवन एंड थ्री, सेवन और थ्री टेन, टेन का जीरो, टेन का क्या आएगा यहाँ पे, जीरो, और कैरी कितनी है, वन, ठीक है। फोर और वन फाइव, फाइव और वन सिक्स, यहाँ पे फोर क्योंकि यहाँ पे क्या है अपना, जीरो है। फिर थ्री और फोर सेवन, अब देखो इसमें सी में देखो फोर टू फाइव फाइव जीरो थ्री जीरो नाइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, नाइन आएगा। यहाँ पे थ्री और फाइव, और फाइव कितने हो गए, टेन। फाइव और फाइव कितने हो गए, टेन हो गए। टेन का यहाँ क्या लिखेंगे हम, जीरो, और कैरी यहाँ पे आ गई। जैसे ये टेन है तो इसका जो वंस है वो यहाँ लिखेंगे हम, और जो टेंस किस में जाएगा वो हमेशा कैरी में जाएगा। तो यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन कितना आ गया, सेवन। सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर फाइव नाइन। अब यहाँ पे नाइन और फाइव कितने हो गए, फोर्टीन। नाइन और फाइव कितने हो गए, फोर्टीन। फोर्टीन का यहाँ क्या लिखेंगे हम,
फोर और यहाँ पे आ गई अपनी कैरी। सिक्स और फोर टेन, टेन में हमने वन को ऐड किया तो कितना हो गया इलेवन, इलेवन का यहाँ वन, फिर यहाँ पे आ गई अपनी कैरी। सिक्स और वन सेवन, सेवन और थ्री टेन, टेन का जीरो और कैरी वन। उसके बाद में सिक्स और टू एट, एट और वन नाइन, थ्री फोर वन टू सेवन जीरो टू नाइन, टू सिक्स, सिक्स थ्री वन फोर टू सिक्स। तो नाइन और टू कितने हो गए इलेवन, इलेवन का यहाँ क्या लिखेंगे हम वन लिखेंगे और यहाँ पे अपनी वन कैरी आ गई। उसके बाद में सेवन और वन एट और यहाँ पे जीरो है तो इसका वो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एट का एट, यहाँ पे थ्री सेवन, फोर और सिक्स हो गए टेन, वन कैरी, फिर वन और वन टू है ना, टू और टू कितने हो गए फोर नाइन एट, फाइव फोर वन सेवन, टू फोर वन सिक्स। तो सेवन सेवन कितने होते हैं फोर्टीन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सिक्स है तो यहाँ पे वन नंबर कम कर देंगे तो कितने हो गए यहाँ पे थर्टीन, थर्टीन का यहाँ क्या लिखेंगे हम थ्री और यहाँ पे वन कैरी, वन टू थ्री, तो यहाँ थ्री, फोर और फोर एट, फाइव फोर टू सेवन, फाइव फोर टू सेवन, थ्री फाइव नाइन वन जीरो फाइव सेवन फाइव। तो सेवन और फाइव कितने हो गए ट्वेल्व हो गए, ट्वेल्व का टू, यहाँ पे वन कैरी, फिर यहाँ पे जीरो है तो कैरी वन आ गई, फिर नाइन और वन टेन, टेन का जीरो फिर कैरी, फिर फाइव और थ्री एट, एट और वन नाइन, थ्री फोर टू फाइव, थ्री फोर टू फोर, फाइव फाइव सेवन सिक्स, सेवन और सिक्स कितने होते हैं थर्टीन, फिर कैरी वन, फाइव फाइव टेन, टेन और वन इलेवन, यहाँ पे फिर वन कैरी, फिर हो गए सिक्स और सेवन एंड सेवन। अब इसमें देखो आई से लेकर पी तक के जो एडिशन है सम है वो आपको अपने आप करनी है ना, सेल्फ करनी है ये, जे से लेकर पी तक। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है अरेंज इन द कॉलम्स एंड ऐड, आपको जो कॉलम है उनको अरेंज करना है, उसके बाद उनका क्या करना है एडिशन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको आई तक करवा दिए इसमें एडिशन, अब आई के बाद में जे से लेकर जो पी तक के जो एडिशन है वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड।
है ना, इसमें आपको जो नंबर्स है उनको पहले अरेंज करना है, उसके बाद में उनका क्या करना है, हमें एडिशन करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में 4569 प्लस 8725 है ना। अब इनको पहले हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे है ना, उसके बाद इनका क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। पहले इन नंबरों को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो पहले ये लिखेंगे जैसे वंस डैश 100,000 है ना, तो पहले वंस का नंबर लिखेंगे वंस, उसके बाद में टेंस, फिर 100, उसके बाद में 1000। यहां से भी फिर ये नंबर आएगा 5, 2, 7, 8। अब इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे नंबर आते हैं तो इनको पहले आप क्या करोगे, अरेंज करोगे, उसके बाद उन नंबरों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, है ना। पहले आप जो नंबर ऐसे लिखा हो कि आप पूछते मैडम इसमें क्या करना है, तो पहले इन नंबरों को आपको अरेंज करना है, उसके बाद इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। नाइन जीरो फोर सिक्स प्लस 3876। अब इनको अरेंज करेंगे, ये वंस टेंस 100,000, पहले वंस का नंबर वंस टेंस 100 एंड 1000, फिर यहां लिखा हमने 6 आ गया, 7 आ गया, 8 एंड 3। 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 7 और 5 12, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 का 2, यहाँ पे 1 कैरी, 8 और 4 12 हो गए, और 12 में हमने 1 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारा 13, 6 और 6 12, 12 का 2, यहाँ पे 1 कैरी, 7 और 4 11, और 11 में हमने 1 को ऐड कर दिया तो कितने हो गए 12 का यहाँ लिखा हमने 2 और ये आ गई अपनी 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12। अब देखो सी के अंदर ए बी सी हो गए ना, अब सी में देखो कैसे अरेंज करना है, 9054 प्लस 28 and 29 प्लस 86 आ गया। अब इनको अरेंज करेंगे, अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, लेकिन ये क्या है अपने 2 डिजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे, देखो 9054, उसके बाद में 9 2 8 and 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओनली 2 डिजिट है, तो यहाँ पे आ गया वंस एंड टेंस, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये लिखा हमने 6 लिखा और यहाँ पे लिखा 8। जब आपको अरेंज करने वाले नंबर होते हैं तो आपको जो ये वाली रो है इसको एकदम स्ट्रेट रखना है, इस वाली रो को स्ट्रेट रखना है। अगर आप ये नंबर यहाँ राइट करते हो तो आपका जो आंसर है वो रोंग आएगा, इसलिए हमेशा जो ये डिजिट होती है वंस वाली उसको क्या रखना, आपको एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अगर आप अरेंज करने के लिए नंबर दिए, आपने ये नंबर यहाँ राइट कर दिए देखो ऐसे, फिर इसको एडिशन कर दिया, तो ये आपका एडिशन क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। इसलिए आपको जो वंस वाला जैसे 6 आ गया और 8 आ गया, अब इनको ऐड करना है। 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो गए, और 15 और 4 कितने हो गए, 19 का यहाँ लिखा हमने 9 और ये अपनी 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 10 हो गए 10, और ये 15 और ये 16, फिर 1, फिर यहाँ 9 और यहाँ पे 11। एट थ्री फोर फाइव प्लस 2876 9
13 है ना, 913। अब इनको अरेंज करना है तो सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे, यानी 5, 4, 3, 8। फिर है ये वाला 6, 7, 8 and 2। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, है ना, तो 1 से यहाँ लिखेंगे हम 3, 1, 9, 3, 1, 9। अब इनको ऐड करना है, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 और 5, 14। 14 का यहाँ लिखेंगे हम 4 और यहाँ पे 1 कैरी। फिर है 7, 7 और 4, 11, 11 और 1, 12 और एक होगी 13, है ना, 1 कैरी। 3, 8 और 3, 11 और यहाँ पे ये 12 है, और 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 10, फिर 18, 18 और 3 21 हो गए, उसके बाद में 10 और यहाँ पे कितने हो गए 12। F में 7, 5, 2, 1, 9, 1, 3, 6, 2, 8, 7, 4। बस अरेंज में आपको ये याद रखना कि वंस वाला नंबर है वो अपना सेम आना चाहिए, और वैसे ही आपको क्या करना है इनको ऐड करना है। तो 10 हो गए 10 और 1 11, 11 का 1, फिर कैरी। फिर 7 और 3 10, है ना, 7 और 3 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 1 कैरी 13। फिर यहाँ पे 1 कैरी, है ना, 8 और 9 और 10, 10 और 5 15, फिर 1 कैरी, ठीक है। अब देखो 9 और 2 7 हो गए, 9, 7 और 2 फिर 9 और यहाँ पे 10, है ना, तो ये क्या हो गया अपना 19। अब देखो इसमें आप ये आपको F तक करवाए, उसके बाद में G H I, ये क्या है, ये भी आपको अरेंज करके इनको लिखना है, है ना, तो अपने नोटबुक में इनको राइट करना है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ बुक में राइट करना है एडिशन। फाइंड द सम वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 36 पे, उसमें जो एडिशन है वो आपको बुक में फिल करने है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो अरेंज इन द कॉलम्स एंड ऐड, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, ओके बेटा। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 3.3।
Fill in the blanks. Two men. Statement correct. Pratik, mic off karo beta. अब इसको राइट स्टेटमेंट है वो हमें इसमें राइट करना है. देखो जो ब्लैंक, अब देखो इसमें जैसे 7, 6 है, 4, 6 फिर 2, 4, 3, 2 है ना. अब यहाँ पे क्या है, इक्वल लगा रखा है. फिर यहाँ पे देखो ये आपका ब्लैंक है, उसके बाद में 7, 6 और 4, 6 लिख रखा है ना. तो ये दोनों क्या करने है? हमें इक्वल करना है. तो राइट स्टेटमेंट जो सही जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो लिख रहा है इसमें. इसका मतलब देखो यहाँ पे ये दोनों जो नंबर है इनको क्या करना है, हमें इक्वल करना है. यानी इधर से इसको करें तो भी वो एडिशन सेम आए और यहाँ से करें तो भी वो क्या है, अपना सेम आए. तो यहाँ पे देखो 7, 6, 4, 6 तो है यहाँ पे, है ना. 7,646 यहाँ लिखा हुआ है. तो अपने पास जो नंबर कौन सा नहीं है, 2,432 नहीं है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 4, 3, 2. यहाँ पे जो आपकी बुक में ब्लैंक दे रखा है उसमें ये नंबर आपको राइट करना है. करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें लिखना है कि अगर हम दोनों डिजिट को यहाँ से इनको एडिशन करते हैं तो अपना जो एडिशन का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यानी इक्वल आना चाहिए. ठीक है, क्या आना चाहिए, इक्वल. यहाँ पे ब्लैंक है, फिर 2, 3, 2, 4 फिर यहाँ पे इक्वल लगा रखा है ना. उसके बाद यहाँ फिर क्या है, आपका ब्लैंक दे रखा है. यहाँ 2, 3 फिर 2, 4 दे रखा है, फिर प्लस उसके बाद ब्लैंक दे रखा है. ठीक है, अगर हम इन दोनों को इक्वल करें, यानी ये नंबर भी सेम है और ये भी सेम है, यानी ऐसी कौन सी डिजिट इसमें ऐड करें कि हमारा नंबर सेम आए, है ना. तो कौन सा नंबर करेंगे, अगर इसमें 1 करते हैं तो यहाँ नंबर अपना चेंज हो जाता है, इसका मतलब 1 तो आएगा नहीं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0. अगर इसमें 0 लिखते हैं, हम 0 को ऐड करते हैं तो देखो 4 का 4, 2 का 2, 3 उसके बाद में 2, यानी हमारा जो नंबर है वो सेम आ गया. तो यहाँ पे हमें वो नंबर लेके आना है कि अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आए, अपना सेम आंसर आए. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0. अगर 0 को ऐड करते हैं तो सेम डिजिट आएगी, यानी इटसेल्फ नंबर आएगा 0 को ऐड करेंगे, है ना. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अपना 0. ठीक है, यानी हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो राइट करना है, यानी दोनों डिजिट को हमें इक्वल करना है. दोनों डिजिट को क्या करना है, इक्वल. 99 यानी 9,999 प्लस 4,403 फिर इक्वल है. उसके बाद में यहाँ पे 9,999 फिर से लिखा है. अब इक्वल करने के लिए हमें क्या करेंगे, क्योंकि ये नंबर तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसको कहाँ राइट करेंगे, ब्लैंक है उसमें, है ना. तो यहाँ आ जाएगा राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अपना 4,403 4,403. फिर क्या है, इक्वल. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना नंबर कौन सा लिखा हुआ है, 8,156. ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे भी ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है, यानी इक्वल करना है हमें. तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये डिजिट है तो ये नहीं है, है ना. अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये फाइंड कर देंगे, यानी 8,156 आ गया.
है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये नंबर कहाँ लिखेंगे, फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, तो 5163। तो ये दोनों डिजिट को अगर एडिशन करते हैं तो आंसर क्या आएगा अपना, इक्वल आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आंसर। थर्टी एट सेवन थ्री थ्री नाइन फाइव फोर प्लस सेवन थ्री टू वन है ना। अब इसमें डिजिट कितनी आ गई, वन टू थ्री। अब यहाँ पे इक्वल, उसके बाद में ये ब्लैंक, सेवन थ्री टू वन, फिर क्या है थ्री नाइन फाइव फोर। आप देखो यहाँ पे डिजिट कितनी है, थ्री है, तो यानी ये नंबर भी अपना वहां पे राइट है, उसके बाद में ये नंबर भी वहां पे राइट है ना स्टेटमेंट पे, तो इक्वल करने के लिए तो ये जो डिजिट है वो वहां पे राइट नहीं है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, कौन सा लिखेंगे हम, थ्री एट सेवन थ्री, ठीक है, आया समझ में। अब आपको ऐसी जो ब्लैंक है इनको क्या करना, आपको सबको फिल करना है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो जी वाले में क्या है, फाइव सेवन सिक्स वन, एच में है एट थ्री फोर, और आई में कौन सा है, थ्री एट वन एट। तो ये एक्सरसाइज आपको 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, अरेंज इन द कॉलम, ये वाला ही क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, बाकी आपको अपनी बुक में ही जो बुक है उसमें ही फिल करनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर वन है वो सारा आपको अपनी बुक में कम्प्लीट, नोटबुक में कम्प्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।